तो ये है पल्स ऑक्सीमीटर माइक्रोटेक की तरफ से, जो कि एक अच्छा जाना माना ब्रांड है। मैंने इसे फ्लिपकार्ट से लिया था। ये देखिए इसका बॉक्स पैकेज है, सामने की तरफ कुछ फीचर्स दिए गए हैं इसके बारे में, जो कि है वन क्लिक डिटेक्शन, एक्यूरेट मेजरमेंट, ऑटो ऑफ, पावर ऑफ, डुअल कलर ओलेड स्क्रीन एंड कंफर्टेबल सिलिकॉन पैडिंग अंदर, जहाँ पे आपकी फिंगर प्लेस होगी वो एक अच्छी सिलिकॉन पैडिंग दी हुई है वहाँ पर। दूसरी तरफ इसका प्राइस बताया गया है 1999, बट फॉर्चुनेटली इतने में नहीं मिलता ये। लेकिन जिस समय मैंने लिया था उस समय कोविड पीक पे था, तो मुझे 2000 से बस 200-300 रुपये कम में मुझे ये मिला था, बट अब तो इसका दाम काफ़ी नीचे आ गया है। जो मेन इसके फीचर्स हैं वो पीछे बताए गए हैं इसके, तो वन बटन ऑपरेशन, IP22 की रेटिंग, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है ये, PI इंडेक्स है, पल्स स्ट्रेंथ आपकी कितनी है वो आप इसमें बार ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हो, और सैचुरेशन, ऑक्सीजन का सैचुरेशन जिसके लिए मैंने लिया है वो तो आप ऑब्वियसली मेजर कर ही पाओगे। बैटरी का इंडिकेटर भी दिया गया है इसमें, ऑटो पावर ऑफ और एक साल की वारंटी। एक बात है कि इसमें बैटरी इंक्लूडेड नहीं आती है, बैटरी इसमें AAA सेल्स 2 डलते हैं वो, लेकिन इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो चलिए बॉक्स खोलते हैं। बॉक्स खोलते ही देखिए इसमें खास कुछ इतनी फैंसी पैकिंग नहीं, ऑक्सीमीटर है माइक्रोटेक का वही एक है, और ये हैंग करने के लिए इसके साथ लगा सकते हो आप ये। बस एक मैनुअल थी वो पता नहीं कहाँ चली गई है, मुझे नहीं पता कहाँ फेंक दी मैंने। इसमें यहाँ एक बटन है पावर का, ऊपर ब्रांडिंग दी हुई है, राइट साइड और लेफ्ट साइड कुछ नहीं है। नीचे की तरफ से यहाँ पे आपको अंदर यहाँ पे अपनी फिंगर प्लेस करनी है, और ये जो कोड नीचे और ऊपर की तरफ, मतलब ये ऊपर और यहाँ पर नीचे, ये सिलिकॉन की कोटिंग दी हुई है ताकि कम्फर्ट, प्लास्टिक नहीं है, सिलिकॉन की अच्छी सी सॉफ्ट कोटिंग दी हुई है ताकि आपके फिंगर अच्छे से प्लेस हो जाए। दो बैटरीज के लिए यहाँ पे जगह है, लेकिन बैटरी फिलहाल है नहीं इसमें। फिज़िकल ओवरव्यू में इतना ही है, इसके अलावा स्क्रीन यहाँ सेंटर में है, मैं आपको अभी बैटरी डालकर इसे दिखाता हूँ। मैंने 2 AAA बैटरीज ली हैं, जाते हैं यहाँ पर। जस्ट सिंपली से आप राइट हैंड की जो फर्स्ट फिंगर इंडेक्स फिंगर है, नेल आपने ऊपर रखना है, जो आपका स्किन वाला पार्ट है वो नीचे रखना है, वो सॉफ्टली प्लेस करके इसे सेट कर लें। अब आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट ये पावर बटन आपने ऑन कर देना है। ये देखिए रीडिंग आनी शुरू हो गई है। इसमें यहाँ बार ग्राफ नीचे है, ये पल्स रेट है, PI इंडेक्स, और ये ऊपर आपका ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेवल कितना है फिलहाल वो बता रहा है। लगाते ही इसने रीडिंग देनी शुरू कर दी है, फिर भी आप कम से कम 30-40 सेकेंड्स रुक जाएं ताकि ये एक्यूरेट रीडिंग आपको बता पाए। तो जब तक ये समय लग रहा है तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है कि आप ये जो मोड देख रहे हो आप इसे आप चेंज भी कर सकते हो। एक बार जो पावर बटन है इसको एक बार दबाएं, देखिए बार ऊपर आ गया, रीडिंग्स नीचे चली गई। दोबारा दबाएंगे तो बार इस तरफ आ गया और रीडिंग्स इस तरफ आ गए हैं। एक बार और दबाएंगे, ये देखिए बार जो आपका है वो इस तरफ आ गया और रीडिंग्स जस्ट उसके ऊपर आ गई हैं। तो इसमें चारों डायरेक्शन में आप इसे जो डिस्प्ले है इसे आप स्विच कर सकते हैं, ये मुझे चीज़ इसकी अच्छी लगी काफ़ी। तो देखिए यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर भी बता रहा है कि कितनी बैटरी बाकी है। अब 1.5 महीना हो गया है मैं इसे बैटरी इसमें डाउस कर रहा हूँ, तो जस्ट 5 पॉइंट है शायद, राइट, 1, 2, 3, 4, 5 में से अभी सिर्फ एक ही कम हुआ है, अभी 4 पॉइंट्स हैं इसमें। तो देखिए आपने इसने रीडिंग अपनी ऑलमोस्ट बता दी है, 96 और 103 मेरा पल्स है, और PI इंडेक्स है 10.3, 9.8 ये फ्लक्चुएट कर रहा है, ये बीच में कम ज़्यादा हो रहा है। जब आपकी रीडिंग हो जाए जस्ट आप इसे निकाल दें, कुछ सेकंड वेट करें। ये देखिए ऑटो ऑफ, ये अपने आप हो जाता है। तो कुछ लोगों का अभी होता है कि फेक तो नहीं है, जस्ट उनके लिए मैं एक ये पेन ले रहा हूँ, ऑन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए पेन डाला हुआ है मैंने इसके अंदर, देखिए कोई रीडिंग नहीं दे रहा है ये। आप रिलाई कर सकते हैं कि ये जेन्युइन ही है। तो अगर मैं आपको इस माइक्रोटेक के पल्स ऑक्सीमीटर का रिव्यू बताऊं तो मुझे तो ये अच्छा लगा, क्योंकि एक तो ये एक ब्रांड की तरफ से, अच्छी ब्रांड की तरफ से, माइक्रोटेक एक अच्छा जाना माना ब्रांड है, उसकी तरफ से आपको एक अच्छा पल्स ऑक्सीमीटर मिल रहा है, वो भी
अभी मैं अगर इसकी करंट प्राइस बताऊं तो आपको ये 800 लाइक लोएस्ट आपको 800 रुपये तक भी ये मिल सकता है, 800-900 1000 रुपये आराम से आपको ये मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस टू परफॉर्मेंस अगर मैं बताऊं तो ये बहुत ही एक किफ़ायती और ट्रस्टेबल प्रोडक्ट है। इसमें 2-3 चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। तो पहला तो आपको जो आपका ब्लड का ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है वो आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आपका परफ्यूजन इंडेक्स यानी कि PI इंडेक्स वो आप देख सकते हैं। परफ्यूजन इंडेक्स क्या होता है, आपका जो आपका ब्लड जो होता है स्ट्रेंथ से फ्लो कर रहा है वो आपको दिखाता है। ये 0.2% से ऊपर रहना चाहिए, 20% के अंदर तक आपको एक नॉर्मल रेंज मानी जाती है PI इंडेक्स की। तीसरी चीज़ इसमें आपको पल्स रेट आपकी वो भी दिखाता है। ये स्क्रीन जो आपने देखी डुअल कलर की है, OLED स्क्रीन है, बहुत ही अच्छी तरह विजिबल है। और इसके जो 4 मोड्स आपको दिखाए गए हैं, 4 तरफ आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैंने बाकी पल्स ऑक्सीमीटर से इसे कंपेयर तो नहीं किया, बट मेरे हिसाब से ये जो लेवल्स दिखाता है ये जेन्युइन एक जो करेक्ट लेवल है, नियर बाई द करेक्ट दिखा। कोई भी पल्स ऑक्सीमीटर आपको एक्यूरेट तो नहीं बताएगा, चाहे वो डॉक्टर ट्रस्ट का हो या एक्यूश्योर हो और बाकी जो और बड़े ब्रांड्स आते हैं उनका हो, तो भी ये आपको करेक्ट रीडिंग उसमें भी नहीं दिखाते, एक्यूरेसी उसमें भी नहीं 100% होती। तो इस पर आप भरोसा कर सकते हो। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बाय लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर इसे परचेज़ कर सकते हो। चाहे तो अमेज़ॉन से लो, फ्लिपकार्ट से लो, या लोकल स्टोर आपके अगर आसपास कहीं है तो वहाँ से भी ले सकते हो। कुछ व्यूअर्स ने मुझे कहा था कि लाइक आप सिर्फ ऑनलाइन के वेबसाइट्स हैं उनके बारे में बताते हो, आप लोकल स्टोर से भी परचेज़ कर सकते हो, लोकली भी आप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं ले सकते। जस्ट प्राइस डिफरेंस अगर ज़्यादा नहीं हो तो आप लोकली प्लीज़ इसे खरीदो, ताकि उनको भी एक अच्छा सपोर्ट मिले, क्योंकि इस कोविड के सिचुएशन में लोकल मार्केट जो है वो बहुत बुरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। तो ये था मेरा एक रिव्यू और अनबॉक्सिंग माइक्रोटेक का पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ऑक्सीमीटर आपको कैसा लगा, आप कौन सा ऑक्सीमीटर यूज़ करते हैं, अगर आपने नहीं लिया है, ये वाला नहीं लिया तो आप कौन सा यूज़ करते हैं, आपने अगर ये लिया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और बहुत सारे बहुत सारे रिव्यूज़ हैं YouTube पर, नॉट ओनली माइक्रोटेक, तो आप लें जो भी लें लेकिन सोच समझ कर एक अच्छा प्रोडक्ट लें। एक और मैं चीज़ आपको बता दूं, आप ऑक्सीमीटर वही लें इसमें आपको एक बार ग्राफ दिखाता हो पल्स का, वो लें। सिर्फ नंबर वाले लोग हैं, उसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको फेक प्रोडक्ट मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। माइक्रोटेक का पल्स ऑक्सीमीटर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।